बढ़ते मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को किया सावधान। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार ने चलाया विशेष अभियान। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी, भाजपा के विजय कुमार सिन्हा बने नए अध्यक्ष। और बीपीएससी की 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा आज से शुरू। और अब समाचार विस्तार से। देश भर में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर देशवासियों को सावधान किया है। इसी कड़ी में संक्रमण प्रभावित बिहार सहित 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की। पेश है एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में कोविड के हालात, उसके प्रबंधन की स्थिति और तैयारियों की समीक्षा की गई। बैठक में 8 उच्च फोकस राज्यों पर खास जोर रहा। ये राज्य थे हरियाणा, दिल्ली, छत्तीसगढ़, केरल, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात और पश्चिम बंगाल। बैठक के दौरान राज्यों के साथ कोविड वैक्सीन की आपूर्ति, उसके वितरण और प्रशासन के तौर तरीकों पर भी चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि ये सुनिश्चित किया जाएगा कि वैक्सीन सभी जरूरी वैज्ञानिक मानदंडों को पूरा करे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जैसे कोविड के खिलाफ लड़ाई में फोकस हर नागरिक का जीवन बचाने पर रहा है, वैसे ही सरकार की ये प्राथमिकता होगी कि टीका सभी तक पहुंचे। कोरोना के खिलाफ अपनी लड़ाई में हमने शुरुआत से ही एक एक देशवासी का जीवन बचाने को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। अब वैक्सीन आने के बाद भी हमारी प्राथमिकता यही होगी कि सभी तक कोरोना की वैक्सीन पहुंचे, उसमें तो कोई विवाद हो ही नहीं सकता है। लेकिन कोरोना की वैक्सीन से जुड़े भारत का अभियान अपने हर नागरिक के लिए एक प्रकार से नेशनल कमिटमेंट की तरह है। इतना बड़ा टीकाकरण अभियान स्मूथ हो, सिस्टमेटिक हो और सस्टेन हो, ये लंबा चलने वाला है। इसके लिए हम सभी को, हर सरकार को, हर संगठन को एकजुट होकर के कोऑर्डिनेशन के साथ एक टीम के रूप में काम करना ही पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ विचार विमर्श से टीकाकरण की प्राथमिकता तय की जा रही है। राज्यों के साथ अतिरिक्त कोल्ड चेन स्टोरेज की जरूरत पर भी चर्चा की गई। उन्होंने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वैक्सीन के मसले पर राज्य स्तरीय संचालन समिति और जिला स्तरीय टास्क फोर्स के साथ ही ब्लॉक लेवल पर भी टास्क फोर्स बननी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये काम राज्यों के साथ मिलकर ही होगा और राज्य लिखित सुझाव दें तो बेहतर होगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों का व्यवहार अलग अलग चरणों में अलग अलग रहा है। चौथे और मौजूदा चरण में लोगों ने लापरवाही बरती है और सबको जागरूक करने पर फोकस करना होगा। पीएम ने कहा कि ठोस प्रयासों के चलते कोरोना की रिकवरी दर और मृत्यु दर दोनों के मामले में देश दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले बेहतर हालात में है। बैठक में शामिल मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की प्रशंसा की और राज्यों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए जरूरी मदद प्रदान करने पर केंद्र सरकार को धन्यवाद दिया। डीडी न्यूज। और कोरोना महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार ने अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश में कोरोना की जांच के लिए 500 से भी अधिक मेडिकल टीमें गठित की गई हैं। स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि सभी जिलों में कोरोना जांच को लेकर पूर्व में सक्रिय मेडिकल टीमों को भी अलर्ट किया गया है। उन्होंने बताया कि संक्रमित मरीजों की तत्काल जांच कर उन्हें इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से बस स्टैंड, ऑटो स्टैंड, रेलवे स्टेशन और भीड़भाड़ वाले इलाकों में एंटीजन टेस्ट अभियान चलाया जा रहा है। सभी प्रखंडों में सघन जांच के लिए मेडिकल सुविधाओं के साथ आशा कार्यकर्ताओं को भी तैनात किया गया है। पटना जिले में मंगलवार को 3 कोरोना संक्रमितों की मौत हो गई, जबकि 194 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि ज्यादा संक्रमित मरीज पाए जाने वाले इलाकों को कंटेनमेंट जोन में बदला जाएगा। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क के इस्तेमाल को सख्ती से लागू करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। राज्यव्यापी अभियान के तहत मास्क नहीं पहनने वाले 400 से भी अधिक लोगों से जुर्माना वसूला गया। स्वास्थ्य विभाग कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए मास्क नहीं पहनने वालों पर
₹500 के जुर्माना लगाने के प्रस्ताव करने पर विचार कर रहा है। इस बीच कोरोना के रोकथाम को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ वर्चुअल संवाद में शामिल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार पूरी सतर्कता बरत रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन उपलब्ध होने पर उसे लोगों तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार हर संभव तैयारी कर रही है। आज विधानसभा सत्र के तीसरे दिन के शुरू होने के पहले ही विपक्षी दल भाकपा माले के सदस्यों ने परिसर में विभिन्न मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इन सदस्यों ने सरकार पर निर्दोष लोगों को झूठे मुकदमों में फंसाने और दलितों पर अत्याचार किए जाने के खिलाफ सरकार पर निशाना साधा। जो दलितों पर जुल्म हुआ है और सत्यदेव राम और अमरजीत कुशवाहा पर भाजपा के दबाव में जो झूठे मुकदमे डाले गए हैं, उन तमाम मुकदमों को वापस लेने की मांग करता हूं। और बिहार पर दलितों पर जो जुल्म सितम ढाए गए, उन तमाम दरिंदों की गिरफ्तारी की हम मांग करते हैं। भाजपा के विजय कुमार सिन्हा विधानसभा के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। आज अध्यक्ष पद के लिए हुए चुनाव में श्री के पक्ष में 126 जबकि विपक्ष में 114 वोट डाले गए। इससे पूर्व प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने अनुपस्थित नव निर्वाचित विधायक अनंत सिंह, अनिरुद्ध प्रसाद यादव, नरेंद्र कुमार नीरज और अमरजीत कुशवाहा को शपथ दिलाई। आगामी 26 नवंबर को ट्रेड यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स के नेता राजकुमार झा ने यह जानकारी देते हुए बताया कि परिवहन एक्ट, रेलवे के निजीकरण, रोड टैक्स आदि मुद्दों को लेकर यह हड़ताल बुलाई गई है। इसी कड़ी में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर सभी बैंकों के कर्मचारी 26 नवंबर को हड़ताल पर रहेंगे। ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन के उपाध्यक्ष डॉ. कुमार अरविंद ने बताया कि हड़ताल में देश भर के 9 सेंट्रल ट्रेड यूनियन शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि इस हड़ताल में अलग अलग सेक्टर के लगभग 25 करोड़ कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। इस बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने 26 नवंबर को होने वाली हड़ताल का समर्थन किया है। बिहार लोक सेवा आयोग की 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा आज से शुरू हो गई है। 3 दिनों तक यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई है। पहली पाली सुबह 9:30 से 12:30 तक जबकि दूसरी पाली अपराह्न 2 से 5 बजे तक होगी। पटना के जिलाधिकारी कुमार रवि ने बताया कि शांतिपूर्ण और कदाचार मुक्त परीक्षा संपन्न कराने के लिए पुख्ता इंतजाम किया गया है। परीक्षार्थियों को मोबाइल, ब्लूटूथ और वाईफाई समेत अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ में ले जाने की अनुमति नहीं है। परीक्षा के दौरान कोविड से जुड़े मानदंडों का पालन करना भी अनिवार्य किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को देखते हुए प्रधानमंत्री ने देशवासियों को किया सावधान। कोरोना महामारी की दूसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार ने चलाया विशेष अभियान। विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए चुनाव प्रक्रिया पूरी। भाजपा के विजय कुमार सिन्हा बने नए अध्यक्ष। और बीपीएससी की 65वीं संयुक्त मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा आज से शुरू। जाने से पहले आपको बता दें कि कोरोना से बचाव के लिए हमेशा 2 गज की दूरी बनाएं, हाथों को सैनिटाइज करें और सही तरीके से फेस मास्क लगाएं। नमस्कार।